हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कई बार ना हम लोगों को अपने घर के साथ साथ खुद को भी अपग्रेड करना पड़ता है, और ये ब्रिलियंट हैबिट्स हमें एक अच्छे होममेकर बनाने की तरफ लेके जाती हैं, और आज का वीडियो इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। होममेकर्स अपने आप को अपग्रेड कैसे करेंगी, वो भी आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट घर को अपग्रेड करने का मतलब है आप लोग किस तरीके से स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब है कुछ अपना टाइम सेव कर लिया। तो ऐसा एक मैग्नेटिक शॉपिंग लिस्ट बोर्ड मुझे मिला और इसको मैंने यूज़ करके देखा, एंड जब मुझे लगा कि हाँ ये प्रोडक्ट तो काफ़ी यूज़फुल है। घर में ऐसी रोज़मर्रा की काफ़ी चीज़ें होती हैं, किचन की और आपका वैसे भी कैंटीन का कुछ सामान है, राशन का सामान है, घर में कुछ भी आप लोगों के ख़त्म हो जाता है, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे पेन डाउन कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें याद रखना जब हम शॉपिंग करने जाते हैं बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, और फिर डबल या तो हम सामान लेकर आते हैं या फिर कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। ये कम्प्लीटली मैग्नेट है और अच्छे से आप लोग इसे कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं। मुझे ये वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं जो कि आप लोगों की ज़्यादा टाइम चल सकें। पहले वाला जो मेरे पास मैग्नेटिक प्लानर था फ्रिज का, वो थोड़ा पेपर का था, उसकी क्वालिटी ऐसी थी कि वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। ये एक्रेलिक शीट है जो कि काफ़ी यूज़फुल है, स्टर्डी है, और आप लोगों को ज़रूर ये हेल्प करेगी आप लोगों के घर के जो ऐसी चीज़ें हैं छोटी मोटी जिनको आप लोग भूल जाते हैं उन्हें मैनेज करने में। इसके साथ आप लोगों को दो मार्कर पेन मिलते हैं, एक छोटा सा डस्टर है जिसे आप लोग साइड में रख सकते हैं अपने फ्रिज का जो भी आपने कवर बनाया है उसमें। एंड यहाँ पे देखिए आप लोगों ने सारी लिस्ट लिख दी, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं बच्चों से जुड़े, अपने घर से जुड़े, आपके कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं जिन्हें आप लोग भूलना नहीं चाहते हैं, कुछ रिमाइंडर हैं एनिवर्सरीज़ के, बर्थडे के, सब कुछ आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो है ना कितना यूज़फुल प्रोडक्ट, तो ये मेरा काम काफ़ी आसान बना रहा है। इसके साथ साथ देखिए एक और ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेरी काफ़ी हेल्प करता है, मेरी जो इसने मदद करी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी। ये मैग्नेटिक है और आप लोगों को यहाँ पे ड्रिल ऑप्शन भी मिल जाता है। मैंने मैग्नेटिक चूज़ करा क्योंकि हमें फ्रीक्वेंटली मूव करना रहेगा, और इसके अंदर आप लोग अपनी ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो कि सुबह भाग दौड़ के टाइम पे इधर उधर किचन कैबिनेट्स खोल के ना निकालनी पड़े। जैसे कि सब्जियां आती हैं तो सब्जियों के बैग हो गए एक्स्ट्रा वाले, मैं यहाँ रख देती हूँ। बच्चों का टिफ़िन रैप करने के लिए पेपर यूज़ करती हूँ, वो आ जाएगा। गार्बेज रोल जो आप लोग लगाते हैं वो भी इसमें परफेक्टली फिट आता है, उसकी अलग से स्पेस दी हुई है। और उसके साथ साथ जो आप लोगों का टिश्यू पेपर रोल होता है वो भी आप लोग नीचे लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने एक ही ऑर्गेनाइज़र के अंदर कितनी सारी डिफरेंट चीज़ें ऑर्गेनाइज करी जो कि बिल्कुल आप लोगों को डेली काम आएंगी। तो ऐसे ना सामने जब चीज़ें रहती हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम सेव होता है। मैं इसी टाइप की होम मेकिंग को ना स्मार्ट होम मेकिंग कहती हूँ, और अपनी इन्हीं आदतों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जिनसे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम लोग दिन भर में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाएँ, बट अगर आप लोग 15 टू 20 मिनट्स भी स्पेयर करते हैं पूरे दिन भर में से, तो वो आप लोगों के लिए एक रिलैक्सेशन मोड होगा जहाँ पे आप लोग अपने आप को एनर्जाइज करेंगे वापस से अपने वर्क मोड में आने के लिए। मैंने सोचा कि आज मुझे भी अपने फुट को काफ़ी अच्छे से मसाज करनी है, और उसके लिए मैंने यूज़ करा अगारो का ऑटोमेटिक फुट स्पा बाथ मसाजर। बहुत टाइम से लेने की सोच रही थी क्योंकि जितना हमारे पैर रिलैक्स फील करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग दिन भर में काम कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप लोग खुद को अपने आप को स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो ये आप लोगों के पास ज़रूर से होना चाहिए। इसके अंदर आप लोगों को हीटिंग का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप लोग टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम 35 to 48 degrees। 6 मसाज के लिए रोलर हैं, कैलस रिमूवर है, एडजस्टेबल टाइमर है, आप लोग 10 मिनट 20 मिनट लेके अप टू 60 मिनट्स तक इसमें टाइमिंग लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें बबल फंक्शन है फॉर सूदिंग मसाज। और ये मैंने यहाँ पे 20 से 30 मिनट्स लिया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ।
सो ये प्रोडक्ट जो है इसका लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। बच्चों के लिए झटपट से बनने वाले स्नैक्स ऑप्शन आप लोग जरूर से इनको ट्राई करके देखिएगा, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और इवन टीचर्स भी बोलती हैं ये स्नैक्स बहुत ही यम्मी है। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर पफ्ड राइस यानी कि मुरमुरा जो होता है उसे लिया है। तो दो बड़े कटोरे थे, पहले हम लोग उसको बिल्कुल धीमी आंच पे सेक लेंगे ताकि वो एकदम क्रंची हो जाए, और इसी के साथ मैंने जो मखाने होते हैं उन्हें लिया और उसे भी बिल्कुल क्रंची होने तक हम लोग हल्की आंच पे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब दोनों चीज़ें हमारे पास रेडी हैं, एक हम लोग बनाएंगे थोड़ा मीठा और एक बनाएंगे हम लोग चटपटा। इसी कढ़ाई के अंदर दो बड़े चम्मच घी के डाल के दो क्यूब्स मैंने ली थी यहाँ पे गुड़ की, आप लोग अपने हिसाब से गुड़ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, और गुड़ से बनेगा ये हेल्दी, ब्लड भी बढ़ता है बच्चों के अंदर और ये फुल ऑफ फाइबर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एनर्जी मिलती है बच्चों को और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। तो देखिए बिस्किट, चिप्स, नमकीन इन सारी चीज़ों को तो आजकल बिल्कुल ही हम लोग अवॉइड करते हैं, मतलब ना के बराबर ही रहता है घर पर। इस तरीके की चीज़ें तो आप लोग लंच बॉक्स में, स्नैक्स बॉक्स में डाल के देंगे तो बिल्कुल गिल्ट फ्री आप लोग रहेंगे और बच्चे भी हेल्दी खाएंगे। मैंने यहाँ पे बस उसी के अंदर जो हमारा ये पफ्ड राइस था उसको अच्छे से मिक्स करा, और जैसे ही आपका मिक्सचर थोड़ा सा गीला रहता है और आप लोगों को लगे कि आप लोग इसे टच कर सकते हैं उसी टाइम पे आप लोग इसके लड्डू बना सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं लड्डू अगर आप लोग खाना पसंद करें, अदरवाइज वैसे भी अगर आप लोग खाना चाहें तो कटोरी के अंदर ऐसे भी खा सकते हैं। Outside my window, is everything pale and cold? Can't seem to... दूसरा वाला जो हम लोग नमकीन बनाएंगे उसके अंदर आप लोगों को पहले ही घी के अंदर मेल्टेड घी होना चाहिए, उसमें आप लोग थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और नमक, बस इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। थोड़ा सा काला नमक और हींग डालेंगे तो और भी टेस्ट आएगा। इसी को हम लोगों को बिल्कुल कढ़ाई के अंदर जो आपके ये थे मखाने उसके ऊपर बस पोर कर देंगे और इसे हमें मिक्स कर देना है। इसके अंदर जिस तरीके से कोटिंग होती है तो वो आप लोगों को हमेशा डिफरेंट ही लगेगी, तो ये वाला तरीका आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने खट्टा और मीठा दोनों ही बच्चों के लिए बनाया जो कि झटपट से बनने वाले स्नैक्स थे। आप लोग मुझसे क्विक रेसिपीज़ मांगते रहते हैं, मैं ज़रूर से इंक्लूड करूँगी अपने आगे आने वाली सारी वीडियोज़ में। देखिए बाहर से जब हम थक कर आते हैं तो हमारा वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है कि सारी चीज़ों को जगह पे रखना, और ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है हम होममेकर्स की। थोड़ा बहुत अपने लिए भी कुछ खरीदते रहिए, अपने आप के ऊपर भी थोड़ा सा आप लोग डिवोट कीजिए, टाइम भी पैसा भी। तो मैंने भी ना अभी आज मैं गई थी सलोन में और वहाँ से मैंने दो आइटम्स परचेज करे जिनकी मुझे नीड थी, तो आप लोगों के साथ मैं इनका रिव्यू लास्ट में शेयर करती हूँ कि इसको मैंने लास्ट में ही यूज़ करा है वीडियो के। बट उसके साथ साथ ना देखिए छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि आपके घर को भी अपग्रेड करेंगी। जैसे ही आप लोग नहा कर आते हैं तो उस टाइम पे आप लोग अपने पूरे बाथरूम को अच्छे से वाइप डाउन करें। ये बहुत ही छोटा सा स्टेप है, सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं, बट इससे क्या होता है ना जो नेक्स्ट आएगा पर्सन आपका बाथरूम यूज़ करने के लिए उसे जो फ्लोर है वो बिल्कुल ड्राई मिलेगा, वेट नहीं होगा। और बच्चों के साथ तो फिसलने का बहुत बड़ा इशू आता है, तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। जो भी बाथरूम यूज़ कर रहा है वो उसके फ्लोर को हमेशा ड्राई करे। बाथरूम के बाहर आपका ऐसा मैट होना चाहिए जो कि झटपट पानी सोख ले। ये माइक्रोफाइबर जो मैट्स आते हैं ये एंटी स्लिप होते हैं, और इसके ऊपर जैसे ही आप लोग अपने पैरों को पोंछते हैं तो कहीं से भी गीले मार्क्स जो हैं स्लिपर्स के वो फर्श पर नहीं आते हैं। इससे हमारा पोछा मारने का बाद में टाइम जो लग जाता है वो बच जाएगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स हमें अपने होम मेकिंग में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। मैंगो के कुछ पीसेस मैंने कट करके रखे थे, और ये जो मैंगो है ये हमारे ही पीछे गार्डन में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है, इससे लगभग टच वुड कम से कम डेली 15 से 20 आम गिरते रहते हैं और उसको हम लोग खूब इन्जॉय कर रहे हैं। सबको मैं यहाँ पे देती रहती हूँ, तो फिर भी मतलब आप लोगों को जितना भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँ उतना ही कम है। मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि लाइफ में पहली बार हमें आम का पेड़ मिला है खुद के ही गार्डन में।
तो मैंने क्या करा, आम की प्योरी बनाई और मैंने आज सोचा था इसकी ना छोटी छोटी सी कैंडीज बनाई जाए जो कि चटपटी हो, बच्चों को भी अच्छे लगे और मेरा भी कभी मन करता है ऐसा कुछ खाने का तो मैं खा सकूं। मैंने यहाँ पे आम की प्योरी को थोड़ा हाफ होने तक पकाया और इसमें से ना बड़े बड़े बबल्स आते हैं, छींटे तो जलने का डर रहेगा, तो आप लोग ऊपर से हमेशा ढक्कन लगा के ही ये बनाइएगा। फिर इसमें मैंने 2 बड़े क्यूब्स गुड़ के डाले मिठास के लिए, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, काला नमक है, और इसके साथ साथ ना मेरे पास मेलन सीड्स थे, ये बहुत ही यम्मी लगते हैं फ्रीज होने के बाद, तो यहाँ पे मैंने कुछ मेलन सीड्स भी डाल दिए। और ये मेलन सीड्स डालने के बाद आप लोगों को इसे सिर्फ 5 to 10 minutes और कुक करना है, थोड़ी सी थिक होने लग जाती है जब प्यूरी, उस टाइम पर आप लोग अपने गैस को बंद कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे सिलिकॉन का आइस मोल्ड यूज़ करा है क्योंकि ये कंफर्टेबल रहता है और इसके अंदर बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं चीज़ें। बस अब हमने ये जो प्यूरी थी इसके अंदर डाली है और इसे फ्रीज होने के लिए रख देंगे, 5 से 6 घंटे के अंदर बहुत ही टेस्टी कैंडीज बन जाएंगी। रात को आप लोग अपना नाइट रूटीन ज़रूर से फॉलो कीजिए, पहले मैं नहीं करती थी बट अब मुझे उसकी इम्पॉर्टेंस समझ आई है कि हाँ 30s के बाद ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमारी स्किन को भी ब्रीथ उतना ही ज़रूरी है कराना जितना कि हम लोग बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। आप लोगों का जो स्किन केयर रूटीन है वो ज़रूर से आप लोग फॉलो कीजिए, जिसमें आता है आप लोग मॉइस्चराइज करें, टोनर लगाएं, सीरम लगाएं अपनी स्किन में, अच्छे से बाहर जब भी जा रहे हैं चाहे घर पर हैं आप लोग हमेशा अच्छा एक सनस्क्रीन लगाएं। तो मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें पसंद आई थी सैलून में, एक सनस्क्रीन था जो कि मुझे स्टिक वाला मिला जो काफ़ी मुझे कम्फर्टेबल लगा, मेरे पास सनस्क्रीन नहीं था कोई अभी, और उसके साथ ही मुझे रात को अपने फेस पे लगाने के लिए सीरम चाहिए था, तो पहले मैं लगा रही थी वो लॉरियल का था, वो ख़त्म हो गया था काफ़ी टाइम से, वो पर्पल कलर का था, और इसका है पिंक टोन। थोड़ी सी अपने फेस पे मसाज कीजिए, मतलब फेस के ऊपर जो मसाज आप लोग करते हैं उससे सर्कुलेशन बढ़ती है, पोर्स जो होते हैं वो हमारे ओपन अप होते हैं, एक फेस पे नेचुरल ग्लो मिलता है, बिना किसी चीज़ के आपके फेस पे एक टेंट ग्लो आता है। ये चीज़ें करने में हार्डली हमें 5 मिनट लगेंगे बट ये वर्थ है आगे की आपकी जो स्किन है उसको अच्छा फील कराने के लिए। तो ये कुछ रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ, और उसके साथ साथ देखिए वेट लॉस हम लोग कितना भी ट्राई कर लें इसमें हमें टाइम बहुत लग जाता है, वेट गेन करना काफ़ी ईजी है बट वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप लोग सिर्फ ट्राई कर सकते हैं और कोशिश करते रहिएगा, ज़रूर से रिज़ल्ट मिलेगा। जितना हो सके अपने डाइट में फाइबर को इंक्लूड कीजिए, सैलड एक भर के प्लेट जो है वो मैं बनाती हूँ और उसको खाती हूँ। वाटर का इंटेक आप लोग अपना पूरा रखें, हमेशा अपने बेड साइड पे आप लोग 1 लीटर की बॉटल रखें और टारगेट रखें कि हाँ मैं इसे अगले 1 या 1.5 घंटे के अंदर फिनिश करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक होममेकर ज़रूर से अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करे। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टिक ट्रांस, टेक केयर एंड बाय।